सारे के सारे। अगर आपने ये सिर्फ 7 क्वेश्चन पढ़ लिए, आप पेपर में जलवा काट के आओगे, मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर केवल 3 लॉन्ग भी कर दिए तो पेपर आधे से ज्यादा तो ऐसे ही हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है। पूरी वीडियो भले ही भगा भगा के देखिएगा, लेकिन डिटेल में देखिएगा सर, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में हम चाहते तो पीछे पीडीएफ लगा के फटाफट बता सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, लेकिन नहीं। प्रॉपर पिछले 10-11 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। हमें पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया है, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आपको बताने के लिए। तो प्रॉपर पूरा सिलेबस हम यहाँ पे लेके आए, यूनिट बाय यूनिट आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको तैयार करना। देखिए, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन से कोई भी लॉन्ग कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है। पिछली साल सेमेस्टर एग्जाम में क्या हुआ था, 1 लाइनर आए थे, मल्टीपल नहीं आए थे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर मल्टीपल चॉइस आते हैं तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन काम में आ सकता है। कि मान लिया इस यंत्र से किसके यौगिकों का शोधन करते थे, या एचजी का शोधन करने के लिए कौन सा यंत्र होता था, चरक कौन थे, सुश्रुत कौन थे, इस तरीके के जो लोग हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पूरी प्लेलिस्ट, जो लोग नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट, पूरा ये सिलेबस फ्री पढ़ाया जा चुका है। केवल 2-3 चीजें रह गई हैं, वो हम आपको करा देंगे। ये पूरी वीडियो देखने के बाद जो चीजें ना मिले वो बता दीजिएगा। अभी हम आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स बताने वाले हैं, ठीक है सर? उसके बाद देखिए, अब यहां से आती कायदे की चीज, मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस, ठीक है? कहने के लिए इसमें बहुत सारे टॉपिक है, रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? तो इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, इस यूनिट में आपको पढ़ना है सबसे पहले फजान्स रूल। फजान्स रूल, पोलराइजेबिलिटी जिसे बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं, सारी चीजें पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है? कॉमेंट भी पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिएगा सर, ठीक है? उसके बाद फजान्स रूल के बाद आपको पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, काफी इंपॉर्टेंट है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी देखिए पूरी यूनिट से केवल 3-4 टॉपिक आपको बता रहा है। फजान्स रूल आपको पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है और रेजोनेंस पढ़ना है, ठीक है सर? क्या पढ़ना है? रेजोनेंस पढ़ना। अगर आपको लगे कि हिंदी में तो सर इसे फजान रूल ही कहते हैं, इसे हाइड्रोजन बंद कह सकते हो, इसे अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद, ठीक है? यह है पहली यूनिट, पहली यूनिट से ये 3 चीजें आप नहीं छोड़ सकते। देखिए इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है इसी में से आएगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सब पढ़ते ही हैं, लेकिन एंड टाइम पे अगर सब भी पढ़ लिया तो कहीं कुछ अच्छा छूट ना जाए, उसलिए आदमी देखता है कि इंपॉर्टेंट। जो बेचारे गरीब है उसे इंपॉर्टेंट ही, तो जो गरीब है वो इस वीडियो को देखने, इतने टॉपिक पढ़ ले पास हो जाएंगे, जिम्मेदारी है। जो अच्छे बच्चे हैं वो ये टॉपिक छोड़ के ना जाएं, बस इतना होता है सर, ठीक है? उसके बाद सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आपको बताते हैं। देखिए भाई, ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लेवल पे। सबसे पहले देखिए भैया हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से देखिए भाई, हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको पढ़ा रखा है, एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी टू एसपी थ्री डी थ्री सब कुछ। लेकिन इस साल जो पेपर आया था उसमें केवल एसपी एसपी टू और एसपी थ्री 3 ही पूछे गए थे सर, ठीक है? लेकिन पेपर में आप सारे ही पढ़े जो हमने पढ़ाए हैं, 3 पूछे जाए तो आप 3 लिख दें सर, ठीक है? उसके बाद इसी से बीबीटी, बीबीटी का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी इस साल के पेपर में आई थी भाई। अब देखिए इसी यूनिट से, अभी हम आपको बताते हैं, इसी में आपको एक और मिलेगा एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसमें बीओ यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालने आपको आने चाहिए, प्रॉपर सब सिखा चुके हैं। और एक और है वेस्पर थ्योरी सर, ठीक है? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये इस साल नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, ये 1, 2, 3, 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में है, चारों अगर आप पढ़ लेते हैं, पिछली साल इस साल जो पेपर आया था ये वाले दोनों पेपर में आए हुए थे, यानी 4 में 2 आए थे भाई, इन 4 में से 2 आएंगे ही आएंगे, ठीक है सर? तो ये चीजें हैं इस वाली यूनिट में जो आपको पढ़नी है। उसके बाद जो यूनिट 3rd है सर, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, जो यूनिट 3rd है इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है ईए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईएन यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और आईए या आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, प्लस एक इसमें स्लैटर रूल आपको पढ़ लेना है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, यहां पे टोटल 7 टॉपिक हो गए हैं, 1, 2, 3 हाइब्रिडाइजेशन, 1 बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, 3 वेस्पर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 6 आयोनाइजेशन पोटेंशियल, 7 हिंदी में कहें संकरण, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता आबंध सिद्धांत, मॉलिकुलर ऑर्बिटल आणविक बंध सिद्धांत, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, आयोनाइजेशन पोटेंशियल
फाइनल विभव सारे के सारे, अगर आपने ये सिर्फ सात क्वेश्चन पढ़ लिए आप पेपर में जलवा काट के आओगे, मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर केवल तीन लॉन्ग भी कर दिए तो पेपर आधे से ज्यादा तो ऐसे ही हो गया सर। तो यानी कुल मिलाकर उसके बाद इसी यूनिट से आपको पढ़ लेना है स्लेटर रूल, ठीक है। ये कौन सा है, यूनिट थर्ड है। अब आ जाते हैं यूनिट फोर्थ पे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले ही लिख चुके हैं सर, ठीक है। फिर आपको इसमें भैया क्या पढ़ना, अभी हमने जल्दी में वीडियो लेके आए थे, इस साल भी पेपर में आया है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ना है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। उसके साथ पढ़ना है इंक्लूजन, जैसे आपस में रिलेटेड टॉपिक है, इंक्लूजन कंपाउंड्स या इन्हीं को कहते हैं क्लैथरेट्स, ठीक है सर। ये इस साल आया हुआ है, आपको पढ़ना है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन कंपाउंड और क्लैथरेट्स, ये आपको पढ़ना है सर, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी एक प्रकार का रेजोनेंस ही होता है, पढ़ा चुके हैं, इसमें पढ़ना है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक भैया। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, इन दोनों में से आपको एक फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो चाहें तो दोनों इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और मीजोमेरिक, ये दोनों आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना इस यूनिट से चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ, अगली यूनिट है यूनिट नंबर फाइव। यूनिट नंबर फाइव में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर फाइव में कर्व रोटेशन और ये सब बेकार की चीजें, सुनिए जरा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना भैया कार्बीन, क्या पढ़ना है कार्बीन, और आपको पढ़ना है नाइट्रीन, क्या पढ़ना है नाइट्रीन, कार्बीन नाइट्रीन ये दोनों आपको पढ़ लेने हैं, और कार्बो कैटाइन और कार्बो एनाइन ये दोनों आपको पढ़ने हैं। अगर आपको टाइम मिले तो आप कार्बन फ्री रेडिकल देख सकते हैं, वरना क्योंकि जैसा कार्बो कैटाइन है वैसा ही कार्बन फ्री रेडिकल हमने करा रखा है, एक आप पढ़ लेंगे एक के संग में बाकी फ्री आ जाएंगे, लेकिन कार्बीन और नाइट्रीन छोड़ने की आप गलती ना करें, ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करें, बाकी इधर ऐसा कुछ नहीं है, फिर अपनी अगली यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री, सब आराम से नोट करते रहिए स्टीरियो केमिस्ट्री, बाकी जब ये नोट हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, बी डीकेडियन बीएससी टेलीग्राम चैनल है प्रॉपर, यहां पर नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन कर देंगे, पूरी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है हमने, बीएससी सेमेस्टर देखिए आराम से, फिजिक्स चाहिए बी डीकेडियन बीएससी पे चले जाइए, वहां पर प्रॉपर वीडियोज आ रही है सर, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री है सर, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले पढ़ना है कायरलिटी, कल ही वीडियो हम लेके आए थे आपके लिए, कायरलिटी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमने तीन प्रकार की आपको सिमेट्री लिखवाई है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लॉ ऑफ सिमेट्री जो लिखवा रखे हैं वो आपको डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इनेंशियोमर्स, अभी कल ही लेके आए थे आपके लिए, इनेंशियोमर्स अगर नहीं आए तो कल आ जाएंगे, और डाया स्टीरियोमर्स, ठीक है, इनेंशियोमर्स और डाया स्टीरियोमर्स। उसके अलावा आपको पढ़ना है आर एस नॉमेनक्लेचर, ई जेड और डी और एल दोनों आपको पढ़ा चुके हैं हम, ई जेड और आर एस छोटे छोटे हैं जो हम आपको करा देंगे, ठीक है सर, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं। हाँ एक आपको कन्फॉर्मर्स पढ़ना है, इसमें कन्फॉर्मर्स पढ़ना है भैया, कन्फॉर्मर्स, इसमें चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म ये सारी चीजें आएंगी, इन्हें आप मन लगा के पढ़ लें सर, ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें कुछ भी है। उसके बाद अगर हम आ जाए बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उसमें दो तीन क्वेश्चन है, नंबर एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा डिटेल में कंप्यूटर के बारे में, और दूसरा प्रोग्रामिंग, दो चीजें आप जरूर पढ़ लें, बाकी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, अभी ये सब हमने आपको सिखाया है, पूरा प्रॉपर यूनिट करा रखी है, सारी चीजें कराई हुई हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, दो तीन वीडियोस में कंप्यूटर है, फिलहाल प्रोग्रामिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिक चीजें जरूर पढ़ लें, बाकी रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इनका पूरा नाम क्या है, एक एक दो दो नंबर में पूछ लिया जाता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको दो तीन चीजें, जैसे ये होता है NCR वाला, ठीक है, मान लिया 5C4 यानी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, दो वाले मान लिया 5P4 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये निकालने आने चाहिए, लॉग वाले आपको एक दो सवाल आने चाहिए, और कुछ बेसिक फार्मूले आपको पता होने चाहिए। दो तीन दिन बाद हम ये यूनिट आपके लिए लेके आएंगे, तब तक इंतजार करिए इस यूनिट का, बाकी पूरी प्लेलिस्ट नीचे हमने कंप्लीट कर दी है। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमें तो जो है वो कि ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें तो केवल बस पास होने की जुगाड़ बताइए, तो ये वाला जो स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन बीबीटी एमओटी बेस्पर थ्योरी ईएन आईपी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट स्लेटर रूल, अगर इतनी चीजें भी आपने पढ़ ली तो आप आराम से पास हो जाओगे। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी,
प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, मन लगा के पढ़िए सर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे तो क्लासेस आपको डेली शाम को 9, 9:30, 10 बजे तक आ ही जाते हैं। जो भी केमिस्ट्री बची हुई है 3-4 दिन की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ डालिए। जिनके पास फिजिक्स है ऐसे ही फिजिक्स का इंपॉर्टेंट भी बना देंगे, वो फिजिक्स की सारी वीडियोज आ रही हैं बी डी के डी एन बी एस सी पे, ठीक है सर, जो फीचर्ड में लगा हुआ है। जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को विश यू ऑल, आपके पेपर बहुत अच्छे हों ऐसी शुभकामना है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए